हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और टेस्टी डिलीशियस सिंधी थाली की रेसिपी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी त्रिदाली दाल। तो उसके लिए यहाँ पे आधा कप मैंने काली उड़द की दाल, आधा कप चने की दाल और 1/4 कप धुली हुई मूंग की दाल को मिक्स किया। इसमें डाला खूब सारा पानी और इसको सोक करने के लिए रख दूंगी साइड में 1 घंटे के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ हम अरवी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने अरवी ली है। अरवी को सबसे पहले ऐसे अच्छे से हमें धो के साफ करना है, इसमें बहुत ही ज्यादा मिट्टी होती है। अरवी अच्छे से साफ हो गई है। अब अपने हाथों में मैंने सरसों का तेल लगाया और अरवी को पील कर लूंगी। दोस्तों, सरसों का तेल लगाना बहुत ही जरूरी है जब भी आप अरवी छीलो तो, क्योंकि अगर आपने सरसों का तेल नहीं लगाया ना तो आपके हाथों में बहुत ज्यादा इचिंग होगी, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से ये सारी अरवी मैं छील लूंगी। ये देखो, दाल को सोक होते हुए भी दोस्तों 1 घंटा हो गया है। जो काली दाल थी ना, उसकी स्किन अब अलग हो रही है दाल से। तो इसे हम इतना रगड़ के धोएंगे कि ये जो सारे छिलके हैं ना, ये निकल जाए। 4 से 5 बार इसे अच्छे से ऐसे ही रगड़ते हुए हमने वॉश करना है। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करा है। तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है, हल्के गरम तेल में हमने ये छीली हुई अरवी डालनी है। इसी के साथ डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, ताकि अरवी की कुकिंग हो जाए फास्ट। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और कवर करके रख दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए। 10-12 मिनट में अरवी अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगी। अब जब तक हमारी अरवी फ्राई होती है, हम दाल चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कुकर, इसमें डाल रही हूँ ये धुली हुई दाल। ये देखो, आप देख सकते हो दाल से ऑलमोस्ट छिलके निकल गए हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी दाल को रगड़ रगड़ के वॉश करना है। मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि दाल भिगोई हुई है, तो आसानी से उसके छिलके निकलते जाएंगे। जैसे ही आप दाल को रगड़ोगे ना, सारे छिलके ऊपर पानी पे फ्लोट करने लगेंगे। बस उस पानी को बिना हिलाए आपने गिरा देना है। इसी तरीके से 4-5 बार करोगे, सारे छिलके दाल के बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने डाला स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही डाल रही हूँ 1 बड़ा टमाटर। टमाटर को ऐसे रफली काट के डाला है। एक बार अरवी को ना हम चेक कर लेते हैं। ये देखो, 5 मिनट हो गए हैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई होते हुए। इसे मैंने एक बार अच्छे से चलाया और इसको शिफ्ट कर दिया दूसरे गैस के बर्नर पे। अब यहाँ पे मैं चढ़ा देती हूँ दाल। दाल को हाई फ्लेम पे मैंने बॉईल करा। अब देख सकते हो उसके ऊपर ये स्कम रेडी हुआ है। तो ये स्कम ना हमें निकाल देना है। दोस्तों, मैंने टमाटर पहले डाला है क्योंकि मुझे आदत है, मैं रोज ऐसी ही स्कम निकालती हूँ दाल से। बट आप क्या करना, पहले स्कम निकाल लेना, उसके बाद काट के टमाटर डाल देना। आपने दोस्तों सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं दाल नहीं खानी चाहिए, दाल खाने से हमारे हेल्थ में ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है। तो एक बात बता दूं, अगर आप दाल में से ऐसे स्कम निकाल के दाल बनाते हो तो आपकी हेल्थ को कोई भी नुकसान कभी नहीं होगा। अब ना यहाँ पे क्योंकि हम थाली बना रहे हैं, तो थाली में मैं आलू की टिक्की भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे 4 आलू छील के मैंने दाल में ही डाल दिए, ताकि वो दाल के साथ साथ ही बॉयल हो जाए। साथ ही डाला 2 हरी मिर्च बारीक काट के और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ 1 इंच का टुकड़ा अदरक का भी ग्रेट कर लूंगी। अब कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और हाई फ्लेम पे इसे 3 विसल लगवाऊंगी और 5 मिनट के लिए रखूंगी लो फ्लेम पे। जब तक कुकर में सीटियां आती है, चलो एक बार हम फिर से अरवी को चला लेते हैं। ये देखो, अरवी को फ्राई होते हुए अब 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी ये गली नहीं है। तो इसे कवर करूंगी और फिर से इसे लो फ्लेम पे पकने दूंगी। ये देखो, इधर कुकर में भी सीटियां आना शुरू हो गई हैं। ये देखो, कुकर में 1 विसल आ गई है। तो इसको भी मैं शिफ्ट कर देती हूँ दूसरे बर्नर पे और यहाँ पे चढ़ाऊंगी चावल। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट ले लिया, इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल बढ़िया से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ भिगोए हुए चावल। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चावल को 1/2 घंटे पहले भिगो दिया था, इसे बढ़िया से धो के साफ कर लिया। अब इसमें डाला स्वाद के अनुसार नमक। अब अच्छे से चावल को हाई फ्लेम पे ना हमने ऐसे भूनना है। तब तक भूनना है जब तक कि जो इसका मॉइस्चर है ना, ये पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता। ये तो मेरा पैन दोस्तों नॉन स्टिक है, तो इसमें चावल स्टिक नहीं होंगे। अगर आप सिपड़ी में बनाओगे ना, तो ये जो चावल है ना, जब इनका मॉइस्चर खत्म होगा तो ये सिपड़ी के बॉटम में लगने लगेंगे। उस टाइम पे आप इसमें पानी डाल देना। अब पानी कितना जाएगा, जिस भी कप या कटोरी से आप चावल भिगोते हो, उसी कप या कटोरी से जितने आपने चावल भिगोए हैं, उसका दुगना आपने पानी डालना है। अब दोस्तों चावल को पकने देते हैं हाई फ्लेम पे, जब तक कि ये जो सारा पानी है ना, ये सूख नहीं जाता। जब तक चावल अब पकते हैं, हम अरवी को एक बार चेक करते हैं।
ये देखो अरबी हमारी अब बिल्कुल अच्छे से अंदर तक गल गई है। कभी कभी दोस्तों आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी, जब आप अरबी को 10 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई करोगे, उसके बाद चेक करोगे ना, तो आपको फील होगा कि गलने की जगह ये तो और ज्यादा कड़क हो गई है। उस टाइम पे आप क्या करोगे, अरबी को ऑयल से बाहर मत निकालना, गैस की फ्लेम बंद करना, ढक्कन लगा के इसे गर्म तेल में छोड़ देना 5 मिनट के लिए। उसके बाद जब आप चेक करोगे तो अरबी बिल्कुल अच्छे से गली हुई आपको समझ आएगी। अब ये देखो यहाँ पे मैंने अरबी ली है, और कोई भी फ्लैट कटोरी से इसे ऐसे दबा के हमने प्रेस करना है ताकि ये फ्लैट हो सके। बहुत ज्यादा नहीं दबाना है, बस इस तरीके से इसे थोड़ा सा फ्लैट करना है। चावल काफी अच्छे से हाई फ्लेम पे उबल रहे हैं, लेकिन अभी हमें इसे पकाना है जब तक इसका पानी नहीं सूखता। ये देखो दोस्तों चावल का अब सारा पानी सूख गया है। जब चावल का पानी सूख जाता है ना, तो इस तरीके से चावल में होल्स बन जाते हैं। अब इसको मैंने कवर करा और कवर करके रख दूंगी लो फ्लेम पे 2-4 मिनट के लिए, ताकि चावल अंदर तक अच्छे से पक जाए। चलो हम दाल चेक करते हैं। कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है और हमारी दाल भी अच्छे से गल गई है। तो हमने आलू डाले थे ना, पहले हम ये आलू निकाल लेंगे ताकि ये फटाफट से ठंडे हो जाए और हम इससे आसानी से टिक्कियां बना सकें। ये देखो सारे आलू मैंने निकाल लिए, आलू भी अच्छे से गल गए हैं और दाल भी गल गई, एक साथ हमारा 2 काम हो गया। अब इस तरीके से दाल घोटने से दाल को थोड़ा हमें मैश करना है। ये देखो बहुत से लोग इसे बिना मैश किए खाते हैं दोस्तों, बट इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप दाल घोटने से इसे मैश करोगे ना, तो दाल खाने में ज्यादा टेस्टी लगती है। चॉइस आपके ऊपर है, आप इसे मैश करके खाते हो या बिना मैश किए। ये देखो ज्यादा नहीं, बस इस तरीके से दाल घोटने से इसे मैश करना है और पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है। थोड़ी थिक लग रही थी दाल, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला। ये देखो ये है इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब दाल को मैंने चढ़ा दिया है गैस पे और हाई फ्लेम पे इसे एक उबाला दिलवा दूंगी। अब यहाँ पे तड़का पैन में मैंने 2-3 चम्मच ऑयल लिए हैं। ऑयल बढ़िया से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हींग। हींग डालने से ना दाल में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही डाल दिया 1 बड़ा चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन। इस दाल में लहसुन अच्छी खासी क्वांटिटी में जाएगा, बिल्कुल बड़ी गांठ लहसुन की आपने छील के डालनी है। लहसुन का कलर जैसे ही चेंज होना शुरू हुआ, यहाँ पे मैंने डाला जीरा। ये देखो अब लहसुन और जीरा दोनों अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। तो इसमें मैंने डाला 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और तुरंत इस तड़के को फोर कर दिया तैयार दाल पे। ये देखो टेस्टी टेस्टी लग रही है ना दाल देखने में दोस्तों। इसके ऊपर मैंने डाला खूब सारा बारीक कटा हरा धनिया। चावल भी हमारे डन हो गए हैं। 3-4 मिनट इसको मैंने लो फ्लेम पे पकाया। अब आपको दिखाती हूँ इसके दाने। ये देखो चावल का एक एक दाना परफेक्टली खिला हुआ बना है। तो दाल चावल तो डन हो गए हैं। अब चलते हैं अरबी के तरफ। कढ़ाई में जो तेल था ना, उसको अब मैंने तेज गरम करा है, मतलब अच्छे से बहुत तेज यहाँ पे तेल को हमने गरम कर लेना है और इसमें सारी अरबी डालनी है। हाई फ्लेम पे सिर्फ इसे 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है, ज्यादा देर फ्राई नहीं करना है। ज्यादा देर फ्राई करेंगे ना तो अरबी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, फिर खाने में मजा नहीं आएगी। घड़ी देख के दोस्तों बस 1 से 1.5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर सिंपल तरीके से बोलूँ ना, तो बस स्पैचुला से इसे 4-5 बार चलाना और निकाल लेना, इतना ही इसे फ्राई करना है। अब कढ़ाई से सारा तेल मैंने खाली कर लिया, 2 चम्मच ऑयल बस छोड़ दिया है। इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच आमचूर, थोड़ा सा नमक। नमक हमने फ्राई करते टाइम भी डाला है, इसीलिए अभी बिल्कुल जरा सा यहाँ पे नमक जाएगा, मतलब 1/4 चम्मच नमक। सारे मसाले को अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स करना है। ऑयल कम लग रहा था ना, तो यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल मैंने और डाला है, ताकि इस तरीके से मसाले अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स हो सके। अब इसमें डाल दूंगी ये फ्राई की हुई हमारी अरबी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखो लो फ्लेम पे जब आप अरबी को मसालों के साथ मिक्स करोगे ना, तो काफी बढ़िया से मसाले अरबी पे लग जाएंगे। अरबी टूक बन गई है। अब हम बनाएंगे टिक्कियां। तो जो आलू हमने बॉईल करे थे ना, उसी में अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही डालूंगी 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक काट के ऐड करूंगी। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने चौपड़ में बिल्कुल बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाला स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और 1 छोटा चम्मच अखा धनिया, मतलब खड़ा धनिया। धनिया को ऐसे अपने हथेली से क्रश करके ऐड करना है। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखो
हमारा अच्छे से आलू का मिक्स बन के रेडी है। अब मैं अपने हाथों में ऑयल लगाऊंगी और यहाँ पे छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लूंगी। टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, एक बड़े नींबू के जितनी बस यहाँ पे हमने टिक्कियाँ बनानी है। और टिक्कियाँ बना के उसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है, ऐसे बिल्कुल राउंड राउंड टिक्कियाँ नहीं बनानी है। अब सारी टिक्कियाँ मेरी बन गई हैं। इसी बोल में मैं बेसन का मिक्स तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन लिया, इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। इसे अच्छे से ऐसे विस्क कर लूंगी ताकि बेसन के लम्स निकल जाएं। थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है तो जरा सा पानी इसमें और डालूंगी। ये देखो पानी ना, कभी भी आप बेसन का घोल बनाते हो तो बिल्कुल ध्यान से डाला करो। ज्यादा गाढ़ा रहेगा तो भी टिक्कियां अच्छी नहीं बनेगी, बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा तो उसकी कोटिंग नहीं होगी टिक्कियों पे। अब यहाँ पे ये मैंने डाल दिया इसमें आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, से अच्छे से मिलाऊंगी। साथ ही डालूंगी एक चम्मच क्रश करके पुदीना। दोस्तों मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, बस इस तरीके से सूखे हुए फुदीने को मैंने अपने हाथों से क्रश करके इसमें ऐड करा है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया एक फ्राइंग पैन, इसमें डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल को अच्छे से हमने तेज गरम करना है, धुएंदार गरम नहीं करना है, बट हाँ तेज गरम होना चाहिए। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें से 2 चम्मच गर्मा गर्म तेल मैंने डाला बेसन के मिक्स में और से अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखो मेरी टिक्कियाँ। इस तरीके से आपने भी टिक्कियाँ बना के से ऐसे ही फ्लैट करना है। अब इसे बेसन के घोल में मैंने कोट करा और गर्मा गर्म तेल में इसे डाल दिया। इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ डाल दूंगी और हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई करूंगी जब तक कि ये दोनों तरफ से बढ़िया गोल्डन कुरकुरी नहीं हो जाती। अगर आप धुएंदार तेल में टिक्कियों को फ्राई करोगे ना तो टिक्कियां 1 ही मिनट में फ्राई हो जाएंगी, तो वो टिक्की खाने में मजा नहीं करती है। इसीलिए जब भी टिक्कियों को फ्राई करो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए लेकिन धुएंदार नहीं। ये देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे टिक्कियों को पलट रही हूँ, दूसरे तरफ से भी इसे 2-3 मिनट तक पहले पकने दूंगी। दोनों तरफ से टिक्कियां काफी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इसमें बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से बाहर। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे सोडा का यूज बिल्कुल भी नहीं करा है बेसन के घोल में। जब हम टिक्कियों के लिए बेसन का घोल बना रहे थे उसमें बस मैंने ये गर्मा गर्म ऑयल डाला था 2 चम्मच। तो आप भी इस तरीके से अगर ऑयल डाल के टिक्कियां बनाओगे तो आपकी टिक्कियां बिना सोडा के बहुत ही ज्यादा खस्ता, करारी और टेस्टी बनेंगी। सारी टिक्कियां हमारी फ्राई हो गई हैं, इन्हें मैं बाहर निकाल लेती हूँ। सारी चीजें बन के रेडी हैं तो फटाफट से हम लगा लेते हैं थाली। थाली में मैंने दाल ऑलरेडी डाल दी है, साथ ही डाला है लच्छा प्याज। अब इसमें डाल रही हूँ ये चावल। आप देख सकते हो चावल कितने परफेक्टली कुक हुए हैं, इसका एक एक दाना खिला हुआ है। चावल में अगर आपने पानी परफेक्ट डाला है तो आपके चावल बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बनेंगे। अब इसमें रख रही हूँ अरबी के 2, साथ ही रखूंगी हमारी बेसन की टिक्कियाँ। दोस्तों त्रिदाली दाल के साथ बेसन की टिक्कियाँ बहुत ही ज्यादा यमी लगती हैं। तो इस तरीके से आप एक बार ये थाली ट्राई जरूर करना। चलो अभी ले चलते हैं थाली को पतिदेव के पास और उनसे जानते हैं कि आज की थाली कैसी बनी है। अजय तो बढ़िया ठाई थी खूब, त्रिदाली दाल कच्चू बेसन वाली चापा छा गल है। यम्मी। अगर तहां सभी के भी अड़ी मस्त थाली खाई तो वीडियो अच्छी चुकी अव जल्दी को जल्दी ठाए कर असा के बुधायो तहां जी थाली किए ठाई थी। वीडियो के लाइक कियो, चैनल के सब्सक्राइब कियो और वधिक को वधिक शेयर कियो। जय झूलेलाल। हाँ हाँ अच्छा चला।